गुरुग्राम में अब जेएमडीए की तरफ से पार्कों से शहर की तकदीर और तस्वीर बदलने की कोशिश की जा रही है। गुरुग्राम के तीन बड़े पार्कों को जेएमडीए ने सौंदर्यकरण करने का फैसला लिया है, जिसके साथ स्टेडियम और कुछ पार्कों में रिसाइकिल वाटर टैंक भी बनाए जाएंगे, जिससे पर्यावरण को भी साफ रखा जा सके और पानी की भी बचत हो सके। गुरुग्राम जीएमडीए करोड़ों के बजट से शहर के तीन बड़े पार्कों पर काम कर रहा है, जिसमें पालम विहार लाजरावली पार्क और देवी लाल बायोडायवर्सिटी पार्क सेक्टर 56 पर काम शुरू हो गया है। इन पार्कों में लाखों लोग स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं योगा करने जाते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए जीएमडी ने तीनों पार्कों का सौंदर्यकरण के साथ साथ वहां सुविधा और सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्लान तैयार किया है, जिस पर काम भी शुरू हो गया है। जहाँ तक पार्कों की बात है, मुख्य तौर पर जो सेक्टर के अंदर के पार्क हैं वो तो हैं एमसीजी के पास, ग्रीन बेल्ट है और मुख्य ये बायोडाइवर्सिटी पार्क जो सेक्टर 29 में महाराणा प्रताप स्वर्ण जयंती पार्क है और सेक्टर 22 का जो पार्क है, ये तीन पार्क जीएमडीए के पास है। हमें इसमें काम करना है, अभी तक उसमें काम हम बहुत तेज़ी ला नहीं पाए हैं, मैं मानता हूँ हमें इसमें तेज़ी लानी होगी। लेकिन जहाँ तक बायोडाइवर्सिटी पार्क है वो अच्छा कर रखा है, उसमें तो आप देख रहे हैं अच्छे फूल पौधे भी इस सीज़न में अच्छे आए हैं, उसकी तो एक डेवलपमेंट जिस लेवल पे हम चाहते हैं उस लेवल पे लेके आ पाए हैं। लेजर वैली जो पहले लेजर वैली कहा जाता है, महाराणा स्वर्ण जयंती पार्क है, उसमें काम रहता है। सेक्टर 22 पार्क में भी पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है। कुल मिला के हमें इन तीनों पार्क को सौंदर्यकरण तो करना है। ग्रीन बेल्ट्स हम CSR के माध्यम से टेकअप कर रहे हैं, तकरीबन 10-11 कंपनियों के साथ ये जो संधि है साइन हो गई है। इन 11 कंपनी सारे अपने अपने एक स्ट्रेच लिए बैठे हैं, उसकी डिज़ाइन अप्रूवल हमसे लेनी है। डिज़ाइन अप्रूवल लेने के बाद मुझे उम्मीद है कि वो भी सौंदर्यकरण इन ग्रीन बेल्ट्स का कराएंगे। इंटरनल पार्क्स की जो है वहाँ तो MCG कुछ सालों से काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरी तरह से आशा है कि इस योजना के तहत तीन पार्कों पर काम होने के बाद GMDA दूसरे पार्कों पर भी सौंदर्यकरण करेगा। वही लैंडस्केपिंग के लिए भी योजना बनाई जा रही है, जिससे शहर के दूसरे इलाकों में भी प्रदूषण को मात देने और पर्यावरण को साफ रखने के लिए कदम उठाए जा सके।